तमाम जवाब तो सामने हैं, लेकिन इन जवाब पर हम एकमत नजर नहीं आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो महिला अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं उनमें जिम्मेवार आप भी हैं? घबराइए मत, लेकिन जो आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे वो काफी हद तक आपको जवाब दे देंगे। अगर बात हैदराबाद की जाए तो हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का गैंगरेप होता है, उसे जलाकर मार दिया जाता है और इधर दो दिन बाद ही उनका नाम पॉर्न वेबसाइट के टॉप ट्रेंड में आ जाता है। लोग उनके रेप का वीडियो देखना चाहते हैं, उस पल को एंजॉय करना चाहते हैं जिस पल में वो लड़की तड़पी होगी, रोई होगी, चीखी होगी और फिर आखिरी सांस ली होगी। ये भी अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। लड़की जो किसी काम से बाहर गई, सोसाइटी के टाइम टेबल के मुताबिक उसे घर लौटने में देर हो गई थी, क्योंकि सोसाइटी को तो लगता है कि शाम 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो इसी टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़की को बहुत बहुत देर हो गई थी, रात के 9:30 बज गए थे, वो घर नहीं पहुंच पाई थी, उसकी स्कूटी पंचर हो गई थी। मौका देखकर अजनबी लोगों ने उसे मदद देने की कोशिश की और इसी मदद के आड़ में उसे सुनसान जगह पर लेकर चले गए जहां एक एक करके उसका गैंगरेप किया गया। वो चीखे नहीं इसलिए उसकी आवाज दबाने के लिए उसके मुंह और नाक को दबा दिया गया, सांस रुकी और वो मर गई, फिर उसकी लाश को जला दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को लोग अब पॉर्न में देखना चाह रहे हैं, एक एक पल को देखकर यौन सुख लेना चाहते हैं, थकान दूर करना चाहते हैं, अकेलापन और बोर्डम खत्म करना चाहते हैं। दुनिया की टॉप 100 पॉर्न वेबसाइट में शामिल एक साइट की अगर बात की जाए तो इसी के टॉप ट्रेंड वाले सेक्शन में लड़की का नाम सबसे ऊपर है। अभी तक करीब 8 मिलियन से ज्यादा बार उसके नाम को इस वेबसाइट में सर्च किया जा चुका है। चलिए अब वो आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं जिनसे आप चौंक जाएंगे। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारतीयों की गंदी मानसिकता इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अभी तक करीब 8 मिलियन से ज्यादा बार उसके नाम को इस वेबसाइट में सर्च किया जा चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ एक साइट का है नहीं, यानी कि भारतीय कम से कम 800 से ज्यादा पॉर्न साइट्स का इस्तेमाल अश्लील सामग्री के लिए करते हैं। निर्भया कांड जब हुआ था तब भी उसके वीडियोस को कुछ ऐसे ही सोशल साइट्स पर ढूंढा जा रहा था, इसी देश के लोग ढूंढ रहे थे और अब ये चलन बन चुका है। जी हाँ, इसी देश के लोग ढूंढ रहे थे और ये लोग अक्सर आपके सामने भी मौजूद होंगे जब मोमबत्तियां लेकर ऐसे ही गैंगरेप का विरोध कर रहे होंगे। और सिर्फ निर्भया कांड या फिर हैदराबाद कांड को लेकर ही नहीं बल्कि अलवर गैंगरेप, कठुआ गैंगरेप, उन्नाव गैंगरेप को भी ऐसे ही ढूंढने की सोशल मीडिया पर कोशिश की गई। 2012 से लेकर अब तक भारत में 1,76,000 रेप हो चुके हैं, लेकिन जो इस हिंसा में शामिल नहीं है वो भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी जो इस हिंसा में शामिल नहीं है और सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर उन पीड़िताओं की चीख पुकार सुनने की कोशिश करते हैं, वो भी किसी अपराधी से कम नहीं है। अश्लील सामग्री देखने में भारत के लोग पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पॉर्न देखने वाले 80% भारतीयों की उम्र लगभग 30 से 34 साल है। आपको बता दें 30 से 34 साल ये वही उम्र है जब काम करना होता है, जब अपना फ्यूचर बनाना होता है, बीवी बच्चों को संभालना होता है। जी हाँ, और साथ ही आपको बता दें जो आरोपी अक्सर सामने आते हैं उनकी उम्र भी 30 से लेकर 34 साल के बीच में ही ज्यादातर होती है। 86% भारतीय पॉर्न डाउनलोड करते हैं और शेयर भी करते हैं। अब भारत के अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो हैदराबाद कांड के बाद भारतीयों ने पहले से 100% ज्यादा पॉर्न सर्च की है। यानी कि अगर एक स्केल पर रखकर नापा जाए तो आपको बता दें कि 1 से लेकर 100% का अगर वो स्केल हो तो 100% ज्यादा पॉर्न सर्च की गई है हैदराबाद कांड के बाद। और इसी के बाद आपको बता दें कुछ ऐसे ही मिलती जुलती घटनाएं भी सामने आई है। 2018 की बात की जाए तो क्रिकेट और बॉलीवुड से ज्यादा पॉर्न सर्च की गई, जिनमें उत्तर और पूर्व के राज्य सबसे आगे हैं। ये आंकड़े काफी हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी देश में सुरक्षित हैं और उस देश के लोग अगर तीसरे नंबर पर आते हैं पॉर्न देखने में, तो आप उनकी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। ये वही लोग हैं, 80 लाख लोग जो उस लड़की का नाम सर्च कर रहे हैं, 80 लाख लोग जो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी चीख पुकार सुनने को मिल जाए, जब उसकी सांसें थमी वो दृश्य एक बार देखने को मिल जाए। ये वही लोग हैं जो चाहे ना चाहे वो भी उतने ही अपराधी है उस गैंगरेप में।